नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र जो 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 अतिरिक्त MBBS सीटें मिली हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। मुंबई राज्य मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र इस साल 800 और सरकारी सीटों के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। कितनी? 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिसमें से राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की कुल संख्या 41 हो गई है। 41 कॉलेज हो गई हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं राज्य को इस वर्ष में प्रवेश सत्र शुरू होने से पहले 50 सीटों के 2 कॉलेजों की मंजूरी मिल चुकी थी पहले ही। और इसके अलावा अंबरनाथ, गंचरौली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलडाणा, हिंगोली और भंडारा में स्थित 8 कॉलेज केंद्र को सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। अपीलों का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का निर्देश दिया है। वह संस्थानों को 2014 से 2025 के शैक्षणिक सत्र में 100 सीटों में MBBS कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी। और इसके अलावा अतिरिक्त सीटों में अब चल रही प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे दौर के लिए उपलब्ध सीटों की पूल में जोड़ी जाएगी। पिछले 5 सालों में दूसरी बार जब राज्य में सरकारी कॉलेजों में MBBS सीटों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कोटा लागू होने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों में करीब 950 सीटें जोड़ी गई थी। हालांकि इनमें से अधिकांश कॉलेज NMC द्वारा निर्धारित 2020 की न्यूनतम मानक आवश्यकताओं में MSR का पूरा करने में विफल रहे। लगभग सभी कॉलेजों में फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मेडिकल शिक्षा में सचिव दिनेश बागमारी ने कहा है कि हालांकि सरकारी कॉलेजों ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करेंगे। सीटों की संख्या बढ़ने से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त MBBS कॉलेजों की कुल क्षमता 5,850 हो गई है। 800 सीटों में 15% सीट चिकित्सा परामर्श समिति आयोजित अखिल भारतीय कोटा प्रवेश के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सीटों की काउंसलिंग प्रक्रिया में जोड़ी जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुसीब ने एक बयान में कहा है कि गठबंधन सरकार प्रयास के कारण 8 नए कॉलेजों की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज चाहती है। अब राज्य में 35 सरकारी कॉलेज हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कई छात्र चिकित्सा शिक्षा के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अब सीटों बढ़ने से छात्र यहाँ दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे के लिए इसमें प्रत्येक कॉलेज के लिए 403 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि NMC किसी भी स्तर पर निरीक्षण करती है और पाती है कि कॉलेज में संकाय बुनियादी ढांचे यदि की कमी है तो कॉलेजों की अनुमति वापस ली जा सकती है। अभिभावकों का प्रतिनिधि रूई कपूर ने बताया है कि मंजूरी ऐसे समय मिली है जब अच्छी रैंक वाले छात्र अखिल भारतीय कॉलेजों में माध्यम से डीम्स कॉलेजों में सीट हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि MCC के राज्य छात्रों उनकी जमा राशि 2 लाख रुपए तक जब्त बिना डीम्स कॉलेजों में नामांकन वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए। इन छात्रों को बिना पैसा खोए सरकारी कॉलेज अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए।